सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज शालिनी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो देट मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइज, आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ह्यूज ज्वेलरी हॉल। यस गाइज, यहाँ पर मैंने अंडर 500 यूनो ज्वेलरीज खरीदी है और मैंने सोचा मैं सारी ज्वेलरी आपके साथ शेयर करूँ। इसमें मैंने कुंदन भी इंक्लूड किया है, गोल्डन शीट भी इंक्लूड किया, सिल्वर भी इंक्लूड किया। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ना अपनी ज्वेलरी सेट चूज़ कर लेना। और यहाँ पर मैंने ना कुछ डैंगलर वगैरह भी इंक्लूड किया है, रिंग फिंगर रिंग इंक्लूड की है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि यू नो आप सबकी जो भी डिमांड हुई, आप जिस तरीके का पहनते हो, मैं थोड़े बहुत सब में से इंक्लूड कर सकूं और आप लोगों की जो भी पसंद हो उसको पूरी कर सकूं। अगर आपको इसमें कोई भी ज्वेलरी सेट पसंद आ रही होगी ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करना, वहां से आप डायरेक्टली इसे बाय कर सकते हो। सो गाइस, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, जो मेरा पहला सेट है ना, वो शाइनिंग डीवा फैशन की तरफ से है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक कुंदन सेट मंगवाया है, बहुत प्यारा सेट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अराउंड अंडर 350 है। सो गाइस, आप चाहो ना इसे अपने सूट के साथ, साड़ी के साथ आराम से कैरी कर सकते हो। बिल्कुल भी यू नो बहुत लाउड नहीं लग रहा, एलिगेंट लग रहा है। मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि 350 की सेट है ये। इसके साथ यू नो उन्होंने ये इयर रिंग दिया है और मांग टीका भी दिया है। सो गाइस, उन्होंने कुछ ऐसा इयर रिंग दिया है साथ में और एक मांग टीका भी दिया है। तो मतलब ये प्रॉपर यू नो अगर आपकी फ्रेंड की शादी है या फिर आपकी सिस्टर की शादी है और आप कुछ ऐसा सेट ढूंढ रहे हो ना, तो ये सेट आपके लिए गाइस, जस्ट प्लीज ट्राई। सो गाइस, अगर आप मांग टीका पहनते हो तो ये लुक कुछ ऐसा आएगा। और अगर आप मांग टीका अवॉइड करना चाहते हो, बिकॉज बिना मांग टीका का भी ये सेट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैं तो ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ये सेट लो और यू नो पहनो। ऑफकोर्स आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है और ये बहुत अफोर्डेबल है, तो एक ट्राई तो बनता है। सो गाइस, ये नेकलेस कुछ ऐसा दिखता है, बहुत प्यारा सेट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि 350 का सेट होगा ये। मतलब पहनने के बाद मतलब अलग ही फील आ रही है इसको पहनकर। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना मैंने बहुत हैवी सा सेट लिया है। और इसका जो मांग टीका है ना, अगर आप इसे मांग टीका पहनते हो तो भी ये सेट बहुत प्यारा लगता है। बट फॉर एग्जाम्पल आप मांग टीका अवॉइड करना चाहते हो तो भी अगर आप इसे कैरी करोगे सिर्फ इयर रिंग और नेकलेस के साथ, तो आप बहुत अलग दिखने वाले हो, बहुत प्यारे दिखने वाले हो। और मुझे तो ये पर्सनली ये सेट बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस, मेरी दूसरी सेट है ना, वो जावेरी पर्ल्स के साइज से है। ये एक गोल्डन सेट है। ये सेट का डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, एक मैंने वो मोर पंख का इसमें डिज़ाइन था, तो मुझे वो पर्सनली बहुत प्यारा लग रहा था। सो गाइस, सेट कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत प्यारा है ना। गोल्डन में अगर कहूँगी, अगर आप गोल्डन नहीं प्रेफर करते हो तो मैं कहीं कहूँगी आप ये सेट खरीदो, बट अगर आपको गोल्डन पसंद है ना, तो आप ये सेट को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ओके, सो गाइस, ये सेट कुछ ऐसा दिखने वाला है। इयरिंग इसकी बहुत प्यारी है, छोटी सी है, तो आपके कान पे ऐसा हैवी नहीं दिखने वाला। सेट थोड़ा हैवी है, मतलब ये जो इनका डिज़ाइन है ना, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है, बट ओवरऑल ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। सो गाइज, अगर आप यू नो कहीं पूजा में जा रहे हो और आपको कुछ ऐसा यू नो पहनना है, तो आई थिंक उस टाइम ये बहुत सही सेट है, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा ना वो एथनिक वाली फील, वो एक पूजा वाली फील मुझे आ रही है। लेकिन वो मोरपंख है तो एक कृष्ण भगवान जी का भी एक टच दे रहा है, तो मुझे ये पर्सनली ये बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ज़रूर नो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये सेट ट्राई करो। सो गाइस, जो तीसरी सेट है ना, इसमें इन्होंने ब्रांड मेंशन नहीं किया है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एक पर्ल सेट है। सो ये कुछ ऐसा पर्ल सेट है। इसी क्वालिटी की बात करूंगी तो पर्ल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यू नो अच्छी क्वालिटी का है, बट बुरा भी नहीं है। इसके प्राइस के अकॉर्डिंग यू नो इसकी डिज़ाइन और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसकी इयरिंग भी बहुत प्यारी है, छोटी सी है, तो आप यू नो इसे आराम से कैरी कर सकते हो। ये सूट पे भी बहुत अच्छा जाएगी। सो गाइज, मैं आपको इसको ट्राई करके भी दिखाती हूँ। सो गाइज, ये सेट कुछ ऐसा दिखता है, बहुत प्यारा सेट लग रहा है ना, मुझे भी पर्सनली बहुत प्यारा लग रहा है। इसका जो पर्ल और गोल्डन का जो एक कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसकी इयरिंग भी बहुत प्यारी है, छोटी सी है, तो यू नो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि बहुत हैवी सा मैंने कैरी कर लिया है। और मैंने जैसा कहा, आप इसे सलवार सूट भी बहुत अच्छे से यू नो कैरी कर सकते हो। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सेट। ओके, सो गाइस, जो मेरी चौथी सेट है, ये जावेरी पर्ल्स के साइज से ही है। सो गाइस, ये बहुत प्यारा सेट है, मतलब जब आप इसे देखोगे ना तो आप खुद बोलोगे, मतलब इट्स टू प्यारा। ओके, तो ये पर्ल के सेट है, इसमें यू नो ग्रीन स्टोन है। तो ये ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं कि आपकी ग्रीन साड़ी के साथ ही जाएगी, ये कॉन्ट्रास्ट में जाती है। सो आप किसी भी कलर की साड़ी पहन रहे हो, मस्टर्ड रेड नो ब्लू या फिर मरून, किस कलर की पहनोगे ना, इवन ब्लैक, ये सब पे जाती है, क्योंकि आजकल यू नो कॉन्ट्रास्ट का टाइम है और इस तरह का स्टोन तो बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी नो ये सेट आप ट्राई करो। इसके पर्ल की मैं जब बात करूँगी ना, तो पर्ल भी बुरे क्वालिटी का नहीं है, मतलब अच्छा है। ऐसा नहीं लग रहा ना कि उसका पेंट और ऊपर का यू नो जो
शेल होता है वो निकल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी ईयरिंग भी बहुत प्यारी है, बहुत एलिगेंट सी है, छोटी सी है, स्टोन है इसमें, और मैं इसे ट्राई करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो गाइज, ये सेट कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना, मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब मैं जो भी सेट पहन रही हूँ मुझे लग रहा है अरे ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है। बट सीरियसली, इसकी ईयरिंग भी मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत छोटी सी है, यू नो वो ग्रीन स्टोन यू नो एक अटेंशन ग्रैप कर रहा है, तो पर्सनली तो मुझे बहुत प्यारा सा दिख रहा है। तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये सेट यू नो लो और किसी भी ड्रेस के साथ पहनो, ये अच्छे खासे यू नो आपके ड्रेस के साथ जाने वाली है। प्रीफर करो साड़ी के साथ ही इसे कैरी करो और आप अच्छे दिखने वाले हो, आप बहुत अच्छे दिखने वाले हो। सो गाइस, जो नेक्स्ट सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो टिपिकल गोल्डन सेट है। मतलब अगर आपको गोल्डन ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है और आप चाहते हो बदल बदल के गोल्डन सेट पहनो, और ऑफ कोर्स हर टाइम लोग इनो जाके सीधा ज्वेलर की शॉप से एक प्योर गोल्ड तो नहीं ले सकता, तो उस टाइम के लिए ये सेट तो मैं आपको ज़रूर प्रीफर करूँगी। ये सुखी फैशन ज्वेलरी के साइड से है, इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा ना कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपने कैरी की है, बहुत प्यारी सी इसकी सेट है। मतलब इनका जो डिज़ाइन का पैटर्न है ना, ये साउथ से इंस्पायर्ड है, और इसको पहनने के बाद ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि यू नो आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैरी की है। तो मैं इसे पहन के दिखाती हूँ, फिर हम देखते हैं ये कैसा लगता है। ओके सो गाइज, ये सेट कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा हाँ, इस सेट में ना मैंने जब इयरिंग देखा तो देखा इसके नीचे का जो झुमकी होता है ना वो मिसिंग था। तो जब आप इसे ऑर्डर कर रहे हो ना, तो मेक श्योर आप चेक कर लो कि इसका झुमकी मिसिंग है या नहीं है। बट ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। आई डोंट नो किस रीज़न से यू नो इसका ये नीचे वाला गिर गया है कहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसे अभी ओपन किया है, तो आई थिंक उनके तरफ से ही ये इशू हुआ है। बट गाइस, ये ओवरऑल ये सेट बहुत प्यारा है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको गोल्डन सेट पहनने का शौक है तो ये सेट आपके लिए ही बना है। तो आप ये डिज़ाइन भी देख सकते हो, बहुत प्यारी है, थोड़ी अलग है वो भीड़ से, और इसकी ईयरिंग भी बहुत यू नो एलिगेंट है, प्यारी सी है। तो मैं तो ज़रूर आपको ना सजेस्ट करूँगी कि अगर यू नो आप गोल्डन ज्वेलरी पहनना चाहते हो तो इस सेट को ज़रूर ट्राई देना। ओके सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट सेट है ना वो पारस के साइड से है। बहुत प्यारा सेट है, मतलब बहुत प्यारा सेट है, बहुत प्यारा सा है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब अगर 300-400 रुपये में आपको इतनी अच्छी सेट मिल जाती है ना, इसकी ईयरिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने बहुत सोच समझ के ना इसका ईयरिंग भी डिज़ाइन किया है। लाइक अगर आपके गले की हार लंबी है तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ईयरिंग बहुत बड़ा दे दिया है, बहुत छोटा सा दिया है, बहुत प्यारा सा दिया है। तो मैं इसे पहन के आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ओके सो गाइस, कैन यू सी कितना प्रिटी लग रहा है ये सेट। मतलब मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका लुक इतना अच्छा आने वाला है। सो गाइज, मैं तो आपको ज़रूर कहूँगी ये मस्ट ट्राई वाला सेट है, प्लीज़ इसे नो आज खरीद लो, बिकॉज मुझे नहीं पता कितने दिन तक ये स्टॉक में रहेगा, बट ये बहुत प्यारा सेट है गाइज। आप खुद देखो, मतलब आपको नहीं लगने वाले 300-400 रुपये में मैंने ये सब ने सारे सेट लिए हैं। इतना एलिगेंट है ये, और अगर जब आप इसे पहन के पार्टी में जाओगे ना तो मतलब अलग लगने वाले हो, बिल्कुल अलग लगने वाले हो आप। इसकी ईयरिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी सी ईयरिंग है, क्योंकि इसने पूरा नेक को कवर किया है ना, इसलिए उन्होंने ईयरिंग बहुत छोटी सी दी है। सो गाइस, जब मैंने इसे देखा था ना तो मुझे लगा था ये लंबे वाला पैटर्न है इनका, यू नो लंबा हार की तरह पैटर्न है, बट ये एक्चुअली वैसा पैटर्न नहीं है, ये पूरे नेक को आपको कवर करता है, और इसका जो ये कुंदन वर्क है ना, इसे और ज़्यादा यू नो एक रॉयल लुक देता है। तो गाइस, अगर आप सिल्क साड़ी पहन रहे हो, शादी में जा रहे हो, और आप चाहते हो ना कुछ एलिगेंट सा आप एक सेट कैरी करो, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ये सेट ट्राई करो, बहुत प्यारा लुक आने वाला है और आप बहुत अच्छे लगने वाले हो। सो गाइस, अब मैं आपको यू नो अपने रिंग के कलेक्शन भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ज़ावेरी पर्ल्स का ही यू नो एक रिंग लिया है। सो गाइस, ये रिंग यू नो कुछ ऐसा दिखता है, रॉयल लुक प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि ऐसे स्टोन जो आजकल ट्रेंड में है वो आपको एक रॉयल लुक देने में यू नो हेल्प आउट करते हैं। तो ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड इसकी प्राइस भी मैं आपको यू नो ऊपर मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन सी पिटी नाउ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट यू नो डैंगलर का सेट लिया है। यहाँ पे मुझे 3 डैंगलर मिले हैं पर्ल के, और यहाँ पे यू नो इन्होंने स्टड भी दिया है। यहाँ पे एक पर्ल का स्टड था जो मैंने एक्चुअली कहीं रख दिया, मैंने पहना था, तो सेम यू नो पर्ल का स्टड है, पर्ल की यू नो डैंगलर है, एक प्लेन गोल्डन डैंगलर है, और यू नो एक पर्ल और गोल्डन की मिक्स डैंगलर है। तो ये सेट भी ना मुझे बहुत प्यारी लगी थी, और आपके वेस्टर्न ड्रेस पे तो ये आराम से चली जाती है। सो गाइस, ये डैंगलर्स ना मैंने अपने वीडियोस में भी पहने हैं, तो अगर आपने मिस कर दिया है वीडियोस, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने जावेरी पर्ल्स से यू नो रिंग सेट मंगवाया था। ये 3 का रिंग है, ऑक्सीडाइज है। सो गाइस, ये 3 का सेट आता है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, मैंने यू नो ऐसा सेट चूज़ किया था। सारे सेट बहुत अच्छे, लाइक सारे यू नो डिज़ाइन देखोगे ना
बहुत प्यारा डिजाइन है। तो मुझे सारे डिजाइन काफी अच्छे लगे और ये रिंग ना आजकल बहुत ज्यादा फैशन में भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेट ही मंगवा लूं। फिर जो मैंने नेक्स्ट वेस्टर्न लुक के लिए एक ज्वेलरी मंगवाई थी ना, वो थी ज्वेल्स गैलेक्सी के साइड से। ये कुछ ऐसा दिखता है, आपने नोटिस किया होगा अभी ना, आप टीवी सीरियल्स में भी देखोगे तो जो एक्ट्रेसेस होती हैं ना वो कुछ ऐसी ज्वेलरी कैरी करती हैं। अगर आप रियलिटी शो भी देखोगे तो वहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो। तो ये भी बहुत ट्रेंड में है, यू नो, एक चेन के लुक में ये आता है। बहुत लाइट है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए। तो गाइज मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी कि ये गले की चेन ना आप ज़रूर ट्राई करना। सो गाइज मेरी नेक्स्ट ईयरिंग दिखती है ना, वो कुछ ऐसी दिखती है, बहुत प्यारी है। इसमें यू नो पर्ल के इन्होंने एक झालर काइंड ऑफ यू नो इन्होंने डिज़ाइन दिया है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज टॉप्स दिया है और ये सिल्वर बेस्ड है। तो मतलब ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसे मैं आपको पहन के भी ज़रूर दिखाऊंगी कि ये एक्चुअली दिखता कैसा है। सो गाइज ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना, बहुत सेक्सी सा लग रहा है। मतलब मुझे तो बहुत सही लग रहा है ये इयररिंग। मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि कुछ फेस्टिवल आए और मैं इस ईयरिंग को कैरी कर सकूँ। इन्होंने साथ में ना थोड़े से पर्ल्स दिए हैं कि अगर आपके पर्ल गिर जाए तो अगर आप चाहो नो उसे फिक्स से फिक्स करना, तो उन्होंने एक्स्ट्रा पर्ल्स भी दिए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस आपको ईयरिंग कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताना। इवन आपकी सबसे फेवरेट ईयरिंग या सबसे फेवरेट सेट कौन सा है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गाइस ये थे मेरा आज का फाइनल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने बहुत कोशिश की है कि नो मैं बहुत अफोर्डेबल रेट में अच्छे अच्छे ज्वेलरी सेट लाकर आप लोगों को दिखाऊं। अगर आपको यू नो मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ना जल्दी से एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने ये सारी लुक को मिस कर दिया है ना, डू नॉट वरी गाइस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर चेक कर लो। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम कुछ न्यू कंटेंट के साथ। चिल्स एंड लव यू, बाय बाय।